कोरोना का कहर एक बार फिर देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लिहाजा सरकार भी कोरोना को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना नियमों का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में लगातार सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि कोरोना नियमों के साथ साथ मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इसके लिए जनप्रतिनिधियों की भी मेहनती जिम्मेदारी बनती है। जनप्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइन की पालना कर आमजन के बीच मिसाल पेश करें। उनका कहना है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी चाहिए ताकि संक्रमण पर ब्रेक लग सके। सरकार ने अस्पताल में पूरी तैयारी कर ली है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके ऐसे कार्यक्रम जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना ना करने वाले उदाहरण प्रस्तुत हों, उन्हें अनदेखी ना करें और वहां पे मास्क लगाने की अपील करें और उन्हें जागरूक करें। साथ ही आदर्श बनना चाहिए, जितना हो सके सेवा भाव से लोगों की मदद करें। गौरतलब है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें सामने आ रही है। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते नजर आए थे, अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह रोटासरा भी कोरोना नियमों की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।